रोहित शर्मा का साथी ही बना टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल इंग्लैंड में है। वहां से उसे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में मेजबान टीम से लोहा लेना है। इस जोरदार भिड़ंत की पहली टक्कर 4 अगस्त से नॉटिंघम में होगी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप इंडिया वर्सेज श्रीलंका सीरीज को माई 11 सर्कल पर खेल सकते हैं, क्योंकि इस ऐप को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपये का बोनस और 20% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। और साथ ही साथ यहां पर आप सौरभ गांगुली, अजिंक्य रहाणे, राशिद खान जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हैं और आप यहां पर अल्टीमेट टीम बनाकर जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए। काफ़ी सारे लोग यहां से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आप भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। ये तो टीम इंडिया का आने वाला कार्यक्रम है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही अंग्रेजों की जमीन पर एक गहरा घाव मिल चुका है। वैसे तो टीम इंडिया के कप्तान को ये जख्म कई खिलाड़ियों ने मिलकर दिया है, लेकिन इसमें एक खिलाड़ी ऐसा भी है जो भारतीय टीम के सीमित ओवर प्रारूप के उपकप्तान रोहित शर्मा का खास दोस्त है। रोहित के इस करीबी का 22 जुलाई का जन्मदिन भी था। दरअसल न्यूजीलैंड के दिग्गज गेंदबाज स्ट्रेटवोल का जन्म 22 जुलाई 1989 को हुआ था। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बोल्ट इंडियन प्रीमियर लीग में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस का हिस्सा है। यहां तक कि मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2020 का खिताब दिलाने में भी वोल्ट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। वोल्ट की खासियत है कि वो गेंद को दोनों तरफ से स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं विराट कोहली को दिए गए घाव की। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला 18 जून से साउथहैम्पटन में खेला गया था। इस मुकाबले में भले ही मैन ऑफ द मैच कॉयल जेमिसन को दिया गया, लेकिन वोल्ड ने भी न्यूजीलैंड की जीत में अहम योगदान दिया था। पहली पारी में वोल्ड ने 2 विकेट लिए, जिसमें चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा भी शामिल थे। इसके अलावा वोल्ड ने दूसरी पारी में भी 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। इस बार उनके शिकार अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत और रविचंद्र अश्विन बने। स्ट्रेटवोल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हॉवर्ड में साल 2011 में डेब्यू करते हुए 4 विकेट चटकाए थे। इस मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर 7 रन से रोमांचक जीत हासिल की थी। इसके बाद श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट में 20 विकेट हासिल किए। टीम इंडिया में आपका खिलाड़ी कौन है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में माई 11 सर्कल को डाउनलोड करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।